इन पे कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है। ये मेरा सजेशन है, सस्ती प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट का फेज देख रहे हैं। RWA ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की, सिग्नेचर बिल्डर का भी सेक्टर 95 कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठा हुआ है। जब तक इंडिया में कोई मरता नहीं है तो अथॉरिटी की आंखें नहीं खुलती है। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक पटौदी अगेन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। सो आज इस टॉपिक को हमने पिक किया है, उस पर मैं कोई प्रेजेंटेशन देने के मूड में नहीं हूँ, केवल हम इस पर बात करेंगे। पिछले 10 साल के अगर एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पे कई बड़े नाम जो है वो कोलैप्स पे आए हैं और उनको कोलैप्स होते हुए डूबते हुए मैंने देखा है। यहाँ पे अंसल था, उसके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। यहाँ पे यूनाइटेड था, उसके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। कई ऐसे बिल्डर हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठा हुआ है, कई ऐसे बिल्डर हैं जिनका प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और कुछ टेक अवे लेने की कोशिश करेंगे कि आज जो ब्राइट साइड गुड़गांव की चल रही है, जो तेज मार्केट चल रहा है, इसमें से हम क्या बेस्ट पिक कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें मैंने 3 कैटेगरीज डिवाइड की है। पहले तो थोड़ी छोटी प्रॉब्लम, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे छोटी प्रॉब्लम जो रियल एस्टेट में है, जिसमें ना ही बिल्डर की बहुत बड़ी गलती होती है, ना ही कंस्ट्रक्शन टीम की बहुत बड़ी गलती होती है, प्रोजेक्ट डिले होना। तो रेरा ने क्या करना शुरू कर दिया है, 2017-16 के पहले कोई भी रियल एस्टेट पे कोई भी बॉडी नहीं थी, सारे बिल्डर अपने मनमानी करते थे। आज के टाइम पे रेरा ने उनकी थोड़ी सी चूड़ी कसना शुरू कर दिया है और उनको गाइडलाइंस देना शुरू कर दिया है, प्लस उनने रेरा की शर्तों को याद दिलाना शुरू कर दिया है। तो 6 साल में पहली बार हुआ है जब रेरा ने जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं उन पे अपनी टीम भेज के सर्वे किया है और उनको वार्निंग दी है कि आप अपने प्रोजेक्ट को तयशुदा टाइम पे कंप्लीट कीजिए। तो तयशुदा टाइम एक्चुअली होता क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, 3 साल या 4 साल, उसके साथ में 6 महीने का ग्रेस पीरियड। जो ये प्रोजेक्ट है ये ग्रेस पीरियड को यूज कर रहे हैं और उस ग्रेस पीरियड में अगर ये डिले कर रहे हैं अपना कंस्ट्रक्शन, तो इन पे सर्वे टीम भेजी गई है। कौन कौन से वो प्रोजेक्ट है उनका मैं नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ। सो पहला प्रोजेक्ट है सेक्टर 103, 104 और 109 में, जिसमें जारा आवास का अफोर्डेबल हाउसिंग चल रही है, इन पे कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है। अंसल हाईलैंड पार्क, इसका कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है। सेक्टर 92 में AMB का प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, वो कंस्ट्रक्शन वाइज डिले चल रहा है। इसके अलावा सेक्टर 89 और 90 में आशियारा बिल्डर की ग्रुप हाउसिंग है, वो कंस्ट्रक्शन में डिले चल रही है। सिग्नेचर बिल्डर का भी सेक्टर 95 में एक स्पायर करके प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन से डिले चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने अब हर लेवल पे रियल एस्टेट को सुधारने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ केवल बिल्डर ही पैसे नहीं कमाता है रियल एस्टेट से, गवर्नमेंट भी कमाती है, क्योंकि वो बहुत सारे GST एंड टैक्सेस वहाँ पे पुट करती है जिससे उसे रेवेन्यू गेन होती है। तो वो इस मार्केट को सही करके रखने की कोशिश कर रही है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम के लिए, घर मिलने के बाद में अगर कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट आया है तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या काम शुरू कर दिया है। तो मतलब घर डिले मिलना, उस पर काम शुरू हो गया है, घर का कंस्ट्रक्शन खराब होना, उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठा हुआ है, उन प्रोजेक्ट के मैं नाम ले देता हूँ। CSD एवेन्यू एक प्रोजेक्ट है, उस पर कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठा हुआ है। पारस ड्यूस पे बैठा हुआ है, रहेजा अथर्वास पे बैठा हुआ है, सत्या हार्मिटेज पे बैठा हुआ है, तक्षशिला हाइट पे बैठा हुआ है, अंशल एस्टेला, वाटिका G21, इंडिया बुल सेंट्रम पार्क, विपुल लवण्या, BPTP पार्क, सेरीन, M3M वुडशायर, महिंद्रा ओरा, इन पे कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठा हुआ है। अब हुआ क्यों है ये, क्योंकि मैं पुराने टाइम से मार्केट देख रहा हूँ, ये वो प्रोजेक्ट है जब द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी, केवल सिंगल रोड हुआ करती थी वहाँ पे, उस टाइम के ये प्रोजेक्ट हैं जब कंस्ट्रक्शन जो हुआ करता था वो रेड ब्रिक्स से हुआ करता था। उसके बाद में टेक्नोलॉजी आई एश ब्रिक्स वाली, माइवन जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। तो वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो सेल वैल्यू थी उनकी पर स्क्वायर फीट सेल वैल्यू 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सेल वैल्यू थी। तो ये प्रोजेक्ट अपने कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छा नहीं दे पाए। फिर क्या हुआ, RWA ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की और इन पे कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठा।
सबसे बड़ा रीजन कंस्ट्रक्शन सर्वे बैठना था वो था चिंटन्स प्रोजेक्ट का गिरना। जब चिंटन्स प्रोजेक्ट गिरा तो अथॉरिटी की आंखें खुली, उनने बाकी सारी कंप्लेंट्स पे ध्यान दिया और कंस्ट्रक्शन सर्वे बिठा ला। फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज पे कंस्ट्रक्शन सर्वे देखा जाएगा और अगर उसमें डिफॉल्ट पाया जाएगा तो बिल्डर्स को उसमें पेनाल्टीज लगेंगी और प्रोजेक्ट को उन्हें रिनोवेट करके देना पड़ेगा। सो अब आपको यहाँ पे क्या टेक अवे मिलता है? पहला टेक अवे ये मिलता है कि आपको नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ही घर खरीदना है, पुरानी टेक्नोलॉजी का घर नहीं खरीदना है। मुझे ये पता है थोड़ा महंगा आएगा, बट महंगा सस्ता मत देखो क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा चीज आपको क्या देखना है कि आपको उस बिल्डर का प्रोजेक्ट खरीदना है जिसका कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड अच्छा हो। ऐसा तो नहीं था कि उस टाइम पे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं थे। जब ये प्रोजेक्ट बिक रहे थे उस टाइम पे शोभा भी बिक रहा था, जब ये प्रोजेक्ट बिक रहे थे उस टाइम पे टाटा का प्रोजेक्ट भी बिक रहा था। जिसने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया वो अभी भी खुश है, जिनने थोड़े सस्ते प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया वो अभी कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट का फेज देख रहे हैं। अब मैं तीसरी प्रॉब्लम पे आता हूँ। तीसरी प्रॉब्लम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई है, एक वो प्रॉब्लम जिसमें अथॉरिटी अभी प्लानिंग कर रही है उसको सॉल्व करने की। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसको स्वामी फंड से फंडिंग मिली और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। स्वामी फंड जो है 2019 में बना है, ये SBI और वित्त मंत्रालय के ज्वाइंट वेंचर से चलता है। अब ये करता क्या है? ये जो है ये नियर टू पजेशन प्रोजेक्ट जो रुक गए हैं किसी कारण से, दो तीन कारण होते हैं प्रोजेक्ट रुकने के, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट जो रुक गए हैं प्रोजेक्ट उनको फंड करता है और फंड करके वो प्रोजेक्ट डिलीवर करवाता है। जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाते हैं तो उसकी एक्सेस यूनिट जो सेल होती हैं उनसे जो पैसा आता है उन पे कुछ इंटरेस्ट लगा के ये पैसा वापस लेता है। एसएस लीफ एक प्रोजेक्ट है जिसको इसने फंड किया है, लगभग 80 करोड़ रुपए की फंडिंग इसने की थी जिसमें 600 यूनिट की डिलीवरी मिली है। उसके बाद में एसएस ने स्वामी फंड को लगभग 100 करोड़ का पैसा वापस किया है। अब मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट के सेकेंड पार्ट पे। सो ऐसे बिल्डर जिन्होंने अपना रियल एस्टेट से ध्यान ही खत्म कर दिया है, सो माहिरा के 5 प्रोजेक्ट हैं, OSB के 2 प्रोजेक्ट हैं, यूनिटेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और अंसल के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, रामप्रस्था के प्रोजेक्ट हैं, जिन्होंने अपना ध्यान ही रियल एस्टेट से ख़त्म कर दिया है। बट क्या ये कंगाल हो गए हैं या गरीब हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंसल की SBR रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे बहुत बड़ा लैंड पैच पड़ा हुआ है, यूनिटेक का लैंड पैच पड़ा हुआ है और ये OSB और माहिरा जो है इनका भी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और बिल्डर है IREO एक्सटेंशन रोड पे, उसके पास में बहुत बड़ा लैंड पैच पड़ा हुआ है। तो मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो बिल्डर हैं जो अपने आप को बैंकरप्ट टाइप का घोषित कर रहे हैं, इनके लैंड पैचेस और इनके लैंड की वर्थ निकाली जाए और जो पुराने कस्टमर इनके प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं उनको कंपनसेट करके उनका पैसा रिफंड किया जाए। सेम अमाउंट मैं तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो विथ इंटरेस्ट आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। इस पॉइंट से हमें ये टेक अवे मिलता है कि अगर कोई बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा उठा के कहीं और लगा रहा है या वो रैपिडली अपने आप को ग्रोथ दिखा रहा है जबकि वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो उस पे विश्वास मत करो। गुड़गांव में आज भी ऐसे कई बिल्डर हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है, तो उन बिल्डर्स से बच के रहे प्लीज़। गुड़गांव में अगले मंथ 8 से 9 नए लॉन्चेस आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस हैं, आपका बहुत बड़ा पैसा वहाँ पर लगने वाला है। अगर एज अ ऑडियंस आपको कुछ लगता है कि कोई बिल्डर डूबने वाला है तो प्लीज़ उसका नाम कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपका भी रियल इस्टेट नॉलेज जानना चाहता हूँ। और आप मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम डिस्कस करेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।